जहां चीन अपनी चीनी कंपनियों के सहारे भारत में जासूसी करने की फिराक में था, वहीं एक झटके में ही भारत ने चीन पर इतने सारे वार कर दिए हैं जिससे चीन अब संभल नहीं पाएगा, क्योंकि चीन पर पाबंदियां अब भी जारी हैं और ये बस शुरुआत भरी है और इसको अंत नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जहां भारत ने चीन पर निवेश से लेकर डिजिटल स्ट्राइक की है उससे चीन पूरा हिल चुका है। वहीं अब खबर ये आ रही है कि खेती में इस्तेमाल होने वाले छोटे ट्रैक्टर के नाम से फेमस पावर ट्रिलर के फ्री इम्पोर्ट को बंद करने का फैसला किया गया है। सरकार ने पावर ट्रिलर और उसके कल पुर्जे के आयात को रजिस्टर कैटेगरी में डाल दिया है। इसका मतलब साफ है, अब सरकार की इजाजत के बिना इसका इंपोर्ट चीन से नहीं किया जा सकता है। आपको बता दें कि अभी तक पावर ट्रिलर को कितना भी इंपोर्ट किया जा सकता था। यहाँ हम आपको बता दें कि ट्रिलर एक कृषि मशीन है जिसका इस्तेमाल खेती के लिए जमीन तैयार करने के लिए किया जाता है। पावर ट्रिलर के कल पुर्जों में इंजन, ट्रांसमिशन, चेचिस और रोटावेटर शामिल है। क्या है नया फैसला? दरअसल विदेश व्यापार महानिदेशालय यानी कि DGFT ने एक अधिसूचना में कहा है कि पावर ट्रिलर और उसके कल पुर्जों के आयात नीति को बदलाव कर मुख से प्रतिबंधित कर दिया गया है। किसी उत्पाद को प्रतिबंधित श्रेणी में रखने का अर्थ है कि आयातक को उसका आयात करने के लिए DGFT से लाइसेंस लेना होगा। इसी तरह पावर ट्रिलर के कलपुर्जे के लिए भी 10% की सीमा तय की गई है। अब इससे ये तो पक्का हो गया है कि चीन ने जैसा किया है उसे वैसा भरना ही होगा। जो गलती उसने की है उसका खामियाजा अब उसको भुगतना होगा। वहीं दूसरी बड़ी खबर ईरान से है, जहां ईरान ने चाबहार रेल परियोजना से भारत को बाहर करने या फिर चीन के साथ डील होने के बाद भारत से किनारा करने से जुड़ी खबरों को अफवाह और साजिश बताया है। ईरान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत सबसे करीबी सहयोगियों में से एक है और वह हमेशा चाबहार परियोजना का हिस्सा रहेगा। ईरान ने कहा है कि एक भारतीय अखबार ने बिना चाबहार डील के शर्तों को पढ़े एक गलत खबर प्रकाशित की है जिससे पूरी कन्फ्यूजन पैदा हो गई है। चाबहार रेल परियोजना में भारत की जो भूमिका थी वो पहले की तरह ही बरकरार है। यहाँ हम आपको बता दें कि भारत ने चाबहार पोर्ट को जैदान शहर से जोड़ने तक के लिए रेलवे लाइन बनाने के लिए ईरान से समझौता कर रखा है। भारत इस रेलवे प्रोजेक्ट के जरिए अफगानिस्तान और मध्य एशिया के देशों तक अपनी पहुंच बनाना चाहता है। अगर ईरान की तरफ से ये बयान आया है तो ये बहुत ही अच्छी खबर है भारत के लिए, क्योंकि इसी के जरिए भारत पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे सकता है।